मुझे अभी चीफ व्हिप ने अप्रोच किया था फ्रॉम अपोजिशन बेंचेस और उनका ये ख्याल था कि हमारे मेंबर्स की लिस्ट ज़्यादा है राइटफुली सो और दिन थोड़े हैं राइटफुली सो। अब क्योंकि हम इसके कट मोशंस का भी दिन रख चुके थे तो इनका ख्याल था कि हम कट मोशंस एक दिन में भुगता लेंगे तो आप जनरल डिस्कशन का एक दिन बढ़ा दें। तो ठीक है, एग्रीड। मैंने सेक्रेटरी असेंबली से कह दिया है कि वो आपको जनरल डिस्कशन का एक दिन और बढ़ा देते हैं, वो अपने कट मोशंस का एक दिन छोड़ रहे हैं, तो राइटफुली सो, तो आप एक दिन जनरल डिस्कशन में और ले लें और इसमें आप अपने मेंबर्स के ट्रेनरी की भी आपकी लिस्ट मेरे पास ऑलमोस्ट 50 मेंबर्स की पड़ी है तो दैट विल बी हार्डली एग्जॉस्टेड और जो मेंबर्स आपके नए आप बात करना चाहते हैं वो लिस्ट आज ही दे देकर। सर इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड और इसके अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो क्योंकि होता पता ही क्या है कि जिनके नाम आए हुए हैं ना वो नए नाम और आ जाते हैं और ये पीछे नहीं, नहीं, दिस विल गो इन द सेम ऑर्डर एज इट इज, शुड गो इन द सेम एज इट इज, एज इट इज हियर। सिर्फ दो को मैं अलाउ कर रहा हूं जैसे साइमा कमल के और सरदार मोहम्मद अली खान के जी, तो दे विल स्पीक स्ट्रेट इन द रो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदू व इयाका नस्तईन। जनाब स्पीकर, मैं अपने हल्का पीपी 260 की मुंतखब एमपीए हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से माँ बाप की दुआओं और अपने लीडर इमरान खान के एतमाद और मुझे बख्शे हुए एजाज़ के मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे उन्होंने टिकट देके जो एजाज़ बख्शा, जो इज़्ज़त बख्शी, मैं उस पर उनकी मशकूर हूँ। और अपने हलका की आवाम जिन्होंने इमरान खान पर एतमाद करते हुए मुझे भारी मैंडेट के साथ जितवाया, मैं अपने हलका की आवाम की भी बहुत मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जिस तरह आपने बाकियों को टाइम दिया है तो काइंडली मुझे भी आप 15 मिनट का टाइम देंगे ताकि मैं अपने हलका के इश्यूज़ पे बात कर सकूं। मुझे यहाँ पर किसी की खुशामद का सफ़ा पढ़कर अपनी स्पेशल सीट नहीं लेनी है, मुझे अहम इश्यूज़ पर बात करना है। मैं अपने रब से अहद करके आई हूँ जनाब स्पीकर, मैं अपने रब से अहद करके आई हूँ कि जहाँ तक इंसानी कोशिश काम कर सकती है मैं अपने हलका के आवाम के मसाइल के हल तक इंशाल्लाह लड़ूंगी। और जनाब स्पीकर, मेरा हलका तो वैसे ही मसाइल का मसाइल स्थान है मगर मैं आज कुछ अहम इश्यूज़ पर बात करना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ सेहत है मगर बदकिस्मती से सेहत के फंड्स ना होने के बराबर होते हैं और फिर लाहौर से होते हुए मेरे हलका तक पहुँचते हुए अनजानी सी यकबस्तर ठंड का शिकार होकर सुकड़ जाते हैं, या तो मेट्रो बसों की नज़र हो जाते हैं या फिर सैकड़ों अरब की ऑरेंज ट्रेन। कहाँ वो खान साहब की इंसानियत से मोहब्बत का शाहकार सेहत कार्ड और कहाँ तख्ते लाहौर के लूले लंगड़े प्रोजेक्ट्स जो मेरे सेहत के बुनियादी हकूक भी खा जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं अब अपने हलका की आवाम का पूरा पूरा हक लेकर जाऊंगी। जनाब स्पीकर, मेरी पहली गुजारिश है कि मेरे हलका पीपी 260 के शेख जैद अस्पताल के ट्रामा सेंटर की तामीर के लिए फंड्स की तरजीही बुनियादों पर फराहमी यकीनी बनाई जाए, इसके साथ ताकि वहाँ के आबादी की सेहत के मसाइल भी हल हों। ऐसा नहीं कि उन्हें 60 किलोमीटर फासला तय करके रहीमिया खान जाना पड़े और खुदा ना करे कोई एक्सपायर हो जाए। जनाब स्पीकर, बदकिस्मती से हलका के बेतहाशा स्कूल्स ऐसे हैं जो 30-40 सालों से अपग्रेड नहीं हुए या करवाए ही नहीं गए और मिडल हाई नहीं हुए, फिर टेक्निकल फॉल्ट ये टेक्निकल मिस्टेक ये कर दी गई कि जहाँ हाई स्कूल है ही नहीं वहाँ अवामी प्रेशर की वजह से कॉलेज बना दिया गया है। जनाब स्पीकर, मगर कॉलेज में बच्चे नहीं हैं, बच्चे कहाँ से आए? जब हाई स्कूल ही नहीं है तो कॉलेज में बच्चे कहाँ से आएंगे? तो ब्राहे मेहरबानी मेरे 20 मिडल स्कूलों को इस बजट में हाई का दर्जा दे दिया जाए, 30 प्राइमरी स्कूलों को मिडल दिया जाए, फिर जो स्कूल में मौजूद है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हाली का शिकार है, स्कूलों और कॉलेज में स्टाफ और सहूलियात का बेहद फुकदान है। जनाब स्पीकर, खास शफकत होगी अगर इस बजट में स्कूलों के और ये तालीमी मसाइल को भी हल करवाया जाए। जनाब स्पीकर, मेरे हलका में शान शौकत से भरपूर दरियाए सिंध गुजरता है जिसके इर्द गिर्द वादिय सिंध की अजीब तहजीबों ने तरक्की पाई है, कैसे मुमकिन है कि इसके इर्द गिर्द का पानी खारा हो? जनाब स्पीकर, मगर कुछ खास लोगों की शुगर मिलों को तरक्की देने के लिए खतरनाक पेस्टिसाइड्स और खादों का इस्तेमाल होगा तो फिर जमीन कड़वाहट तो देगी ना, सेवरेज लाइनें नहीं है, सेवरेज का पानी जमीन के अंदर होगा तो फिर पानी तो गंदा होगा, घर घर में हेपेटाइटिस और मुख्तलिफ किस्म की मोहलिक बीमारियां मुफ्त
मशवरे लेने के लिए आ जाती है। दिल और गुर्दों के बीमार बगैर अस्पतालों के एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं, क्योंकि मेट्रो और ऑरेंज ट्रेनें तो जिगर का इलाज करने से रही। जनाब स्पीकर, मेरे हल्का में साबका दौर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए जो कि करप्शन की नजर हो गए। मोतदिद फिल्टर प्लांट जो है एक दिन भी नहीं चल सके। अब ये हालत है कि मशीनरी और बिजली के मीटर तक चोरी हो चुके हैं। गुजारिश है कि इस मामले में खास तवज्जो फरमाई जाए, क्योंकि जो पानी खराब हो चुका है उसके साथ मेरे हल्का की आवाम की सेहत बहुत मुतासिर हुई है। जनाब स्पीकर, सुना है वतन में ज़राअत रीढ़ की हड्डी है। मुल्क की 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है, मगर किसान के मसाइल को कोई नहीं सुनता। सुनते हैं तो सिर्फ नाम निहाद कागजी कार्रवाई तक। पीडीएम के इम्पोर्टेड दौरे हुकूमत में किसानों का जो हशर हुआ अगले 10 साल तक मुल्की मईशत पर असरअंदाज रहेगा। किसान खुशहाल नहीं है। मेरा हल्का PP 260 दरिया के बीच में हल्का होने के बावजूद नहरी पानी का इंतजाम नहीं है। दरियाओं के दरिया लगता है सिर्फ सिंध के वडेरों को पालने के लिए पैदा हुए हैं। महकमा ज़राअत का अमला और मकामी इंतजामिया सिर्फ खानापुरी तक महदूद हैं। जनाब स्पीकर, फसलों की पैदावार मुतासिर है, जबकि खाद खुद साख्ता बहरान और जैली अदयात ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। छोटे किसान को डायरेक्ट रिलीफ दिया जाए ताकि हम मईशत में बेहतरी ला सकें। मैडम मुहतरमा, वाइंड अप करें प्लीज। देखिए, अगर आप वहाँ पर टाइम देते हैं सर, ये मेरे आवाम के रिलीफ के लिए है। आपके कोलीग्स ने बात करनी है सर, ये आवाम के रिलीफ के लिए और ये बजट में ही है बस। आखिरी आधा मिनट जी, आखिरी आधा मिनट जी, आखिरी 30 सेकंड जी। सर, अगर ये मैं ये चाहती थी कि मैं अपने हल्का के आवाम के लिए यहाँ पर डिमांड्स कर सकूं, क्योंकि बजट है, आगे 5 साल पड़े हैं सर, डिबेट होती रहेगी, लेकिन बाकियों को टाइम दिया जाता है, जब हमारी बारी आती है तो कहते हैं ये वाइंड अप करें। मैडम 6 मिनट तो हो गए हैं ना आपके, आप प्लीज वाइंड अप करें। राशन स्कीम वाइंड अप करें प्लीज। तस्वीर और तजहीक के साथ चलाई जा रही है। मेरे हल्का में गाड़ियां फिर रही होती है, लेकिन सर वहां पर लेने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वहां पर डिजर्विंग है, मुस्तहक है, वो उनके नाम ही नाअहली में आ जाते हैं। सर, मैं एक शेर के साथ अपना ये वाइंड अप करूंगी। ये मक्तदर हल्के कब तक हमारी तकदीर लिखेंगे, ये जब भी लिखेंगे गुलामी की जंजीर लिखेंगे। सुना दो फैसला अपना इन सब तागूती गुलामों को, हम अपने ख्वाब आजादी के सलताबीर लिखेंगे। सर, अगला शेर मेरे लीडर इमरान खान के नाम। वो एक मैदान में तन्हा है, मगर तन्हा भी लश्कर है, गवाह रहना इसे तारीख में हक की तनवीर लिखेंगे। ये जान जाती है तो जाए, वतन पे आंच ना आए, नहीं सर को झुकाना फिर रस्म शबीर लिखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी मोहतरम जनाब यूसुफ कसेलिया साहब, यूसुफ कसेलिया साहब चलें जी। सरदार साहब, सरदार मोहम्मद अली साहब। यूसुफ कसेलिया जी, जनाब स्पीकर साहब, आप इनके बात कीजिएगा जी, आप इनके बात कीजिएगा। सरदार साहब ने जाना है कहीं। ठीक हो, माइक। शुक्रिया जनाब स्पीकर।